हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी डॉट कॉम आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक लाजवाब रेसिपी एग लबाबदार इसे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी में भी बना सकते हैं हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी होती है ये बहुत ही फटाफट झटपट से बनने वाली रेसिपी है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए जिसके लिए हमें चाहिए मिक्सी का जार और जिसमें हमने डालने हैं दो बड़े साइज़ के टमाटर उनके मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं एक हरी मिर्च डाल दी है और 10 से 12 काजू जो मैंने पानी में 10 मिनट के लिए भिगाए थे वो डाल के इन्हें पीस लिया है अब लीजिए एक फ्लैट बॉटम वाली कढ़ाई और उसमें डालना है आपको तीन टेबल स्पून ऑयल रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने जैसे ही गर्म हो जाए आपको डालना है एक टी इसमें जीरा और एक तेज़पत्ता तीन से चार मिर्च आपको छोटी इलायची को कट लगा के इसमें डाल देना है बस सबसे पहले आप उसे एक दो मिनट फ्राई कर लीजिए उसके बाद आपको कद्दूकस करी भी लेनी है प्याज 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 को आपने ग्रेट कर लेना है और मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है अगर आप छोटे ले रहे हैं तो दो ले लीजिए जस्ट इनको फ्राई करना है अच्छे से फ्राई कर लीजिए इन्हें गोल्डन ब्राउन होना जितना फ्राई करना है दो तो तीन मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक को कुटा हुआ डाल रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से इसके साथ भून लूँगी देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज अच्छे से भून चुका है हमारा तो अब हमने जो स्टार्टिंग में वो जो प्योरी बनाई थी ना टमाटर काजू वाली वो इसमें डाल देनी है बस इसको अच्छे से करना है मिक्स और उसके बाद इसको भी हमें बुरा अच्छे से भून लेना है तो लगभग इसे हम चलाते रहेंगे देखिए चार पाँच मिनट तक इसको ऐसे ही भूनना है उसके पहले मैं इसमें क्या हूँ जो थोड़ा सा मेरे जार में रह गया था तो उसमें पानी डाल के इसे भी क्यों वेस्ट करें इसको भी हमने इसमें डाल दिया है मेरा मानना है कि खाने में कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए तो बस इस तेज़पत्ता का काम हो चुका है तो अब इसको हम निकाल देंगे अब डालेंगे हम इसमें मसाले आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और एक बड़ा चम्मच डाला है धनिया पाउडर इन्हें भी अच्छे से साथ भून लेंगे हम और अब हमको लगभग पाँच से सात मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है ताकि हमारे जो मसाले हैं और जो टमाटर है वो दोनों अच्छे से पक के भुन जाए इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और इसे भी मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब क्योंकि इसमें डला हुआ है काजू तो ये तले पे लग सकता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और उसके बाद में है और मसाले ने तेल छोड़ना भी भुन चुका है अब इसमें डाल रहे हैं आधा छोटे चम्मच में गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी इसे भी अच्छे से आपको मिक्स करके इसके साथ भून लेना है देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला रेडी हो रहा है अब हम इसमें डालेंगे एक से डेढ़ कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती है तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है और पूरी ग्रेवी बनने में लगभग लग लग पंद्रह मिनट लगते हैं आपको पंद्रह से बीस मिनट भी लग सकते हैं साइडों से मैं स्पेचुला केफ से निकाल दूंगी और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और अब मुझे जो मेरा एग है ना उसका एक एक एग आपको फोड़ के लेना है बिल्कुल इस तरह से डालना है ताकि जो हमारा यॉक है वो अच्छे से मिक्स ना हो और बढ़िया एकदम इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है देखिए इस तरह से मैंने छः एग डाले हैं इतनी ग्रेवी के लिए छः एग काफ़ी है तो बस अब इसे मैं ढककर पका लूँगी लगभग चार मिनट के लिए चार पाँच मिनट बाद मैंने देखिए अभी ये आधे से ज़्यादा कुक हो चुका है तो मैं इसमें हल्का हल्का थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर एक्चुअली पाउडर नहीं मैंने खुद ही घर में दरदरा कूटा है क्योंकि मुझे ऐसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाली हूँ काला नमक क्योंकि मसाले में तो मैं अच्छे से इसमें मिक्स होगा नहीं ऊपर से यौ तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड कर रहे हैं हमारा देखिए एकदम रेडी हो गया है परफेक्टली बेक हो गया है और पक गया है यानी कि तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही फ्लेम को ऑफ करके ढक के रख देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लीजिए ऐसे हरी मिर्च का उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसके बाद देखिए एकदम प्रॉपरली प्र, हमारी रेडी हो गई है और ये हमारा एग लवाबदार बन के रेडी हो गया है ये देखिए एकदम अच्छे से पका है अब बारी है प्लेटिंग की तो एक एक एग लवाबदार को मैं इस तरह से प्लेटिंग पे कर रही हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये है मेरे एग लबाबदार का फाइनल लुक कितना डिलीशियस लग रहा है इस रेसिपी से अगर आप एक लवाबदार बनाएंगे ना तो कसम से उंगलियां चाटते रह जाएंगे बहुत ही आसान रेसिपी है डिलीशियस रेसिपी है है ना बस इसको इंजॉय करिए आप रोटी के साथ नान के साथ पराठों के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है स्पेशली तो वैसे ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है पर अगर आप इसे डिनर में भी बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ आप इसको बना सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करिए बाय बाय